पंचनाओ में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ सुमित हफ्ते का वीकली एक्सपायरी नहीं फिनेशियल एक्सपायरी फिन निफ्टी एक्सपायरी के चलते भारतीय बाजारों में आज वोलेटिलिटी थी लेकिन आज भी जो इंटेंस सेल ऑफ था वो आपको दिखाई पड़ेगा मिड कैप में स्मॉल कैप में हैवी सेल ऑफ था इनफैक्ट बाईस सौ तेईस सौ शेयर तो, तो डिक्लाइन में थे और पाँच सौ छह सौ शेयर तेजी में कामकाज कर रहे तो फ्रंट लाइन में शायद आपको इतनी वोलेटिलिटी नहीं दिखेगी लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत हैवी सेल ऑफ अभी भी इंटेंस आता हुआ दिखाई पड़ रहा है वो मार्च का एंड जिसके चलते बिकवाली का दौर है देखने को मिला है इंडेक्स में थोड़े बहुत बाइंग थी निफ्टी बैंक के स्टॉक्स के अंदर तो आधा परसेंट की तेज़ी वहाँ थी लेकिन प्रेशर था आईटी में फार्मा में प्रॉफिट टेकिंग थी पीएसयू बैंकिंग बास्केट नीचे था इसके अलावा मेटल ऑटो कुछ ऐसे नाम जो कि दबाव में कामकाज करते एन बी एफ थोड़ा तेज थे क्योंकि फिर निफ्टी एक्सपायरी थी वहाँ पर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही थी और अदरवाइज ही मार्केट का सेंटिमेंट था वीक साइड पर ही काम करता हुआ दिखाई पड़ रहा था बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करूँगा क्योंकि लेट शुरू हुए हैं तो सीधे सवाल जब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी जो मेरे पास शुरुआती कारोबार में आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं सबसे पहला रूपा एंड ग्रीव्स कॉटन हर्षद सर रूपा तो अवॉइड ही कर सकते हैं आप अभी आ, होजरी स्पेस में अगर आप जाना चाहते हैं तो पेज एंड आ, दिस आदित्य बिरला फैशन वो भले ही फुल फ्लेज फैशन रिटेल में लेकिन वो होजरी में भी है तो उनको आप एक बार को देख सकते हैं लेकिन बाकियों में किसी में कॉपरेट गवर्नेंस का इशू है कोई सीजनल है कोई साइक्लिकल है अवॉइड ही करी ज़्यादा बेटर है रही बात ग्रीव्स कॉटन की तो ग्रीव्स कॉटन में बाकी ट्रिगर्स तो अपनी जगह है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग ट्रिगर जो आज मैं मैंशन भी कर रहा था कि प्रोमोटर्स का स्टेक बहुत तेज़ी से बाइंग कर रही हैं यहाँ पर और ग्रीव्स कॉटन में महीने महीने भर के अंदर ही वो कौन सा कारपेट इनका करके प्रमोटर एंटिटी है जो बहुत तेज़ी से स्टेक ले रहा है और हर फॉल में ले रहा है तो एक बार को उसको आप देख सकते हैं प्रमोटर यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं इन फॉल्स में तो आप उनको एक बार को रिलाय कर सकते सकते हैं हैं बाकी के के में में तो उसमें आप देख पतंजलि के केस में, सर 860, 880 शिवम सर वही एक ट्रिगर है क्योंकि अप्रैल में सुन रहा था कि इनका शायद स्टेक सेल आना है दोबारा और स्टेक सेल अगर आएगा तो किसी भी हाल में इस भाव पे नहीं आना चाहिए वरना कौन सब्सक्राइब करेगा तो प्रीमियम पे ही आना चाहिए थोड़ा बहुत क्योंकि पिछड़ा वाले भी दाम यही था सो so, उम्मीद तो है कि चलना चाहिए बाकी वेट एंड वॉच इज़ अ बेटर ऑप्शन इस क्वार्टर के नंबर्स अब शुरू होने ही वाले हैं उससे ज़्यादा बेटर क्लियर पिक्चर होगी कमेंट्री कब स्टेक सेल आएगा यही एक बड़ा ट्रिगर है जो इस कंपनी के साथ अभी काम काज कर रहा है फंडामेंटल लॉन्ग टर्म स्टोरी जो उसकी बिक रही थी उस स्टोरी के हिसाब से मैं यही कहूँगा कि अभी वो समय नहीं है कि आप उसमें लॉन्ग टर्म देखो लेकिन हाँ मीडियम टर्म के लिए दोनों ट्रिगर पर आप नज़र रखो पहला अर्निंग दूसरा स्टेक सेल कैसे होता है आठ सौ साठ क्रूशल सर ट्राइडेंट बाइंग प्राइस उनतीस सौ तीस तीन सौ अस्सी है अभी क्या करूं ट्राइडेंट कितना नीचे अल्पेश सर ये मतलब मेरे को तो इसका ये दाम भी समझ में नहीं आता क्यों होना चाहिए सात रुपये का शेयर होता था ये सात रुपये का शेयर इसलिए नहीं था कि ये आ, बहुत आ, बढ़िया कंपनी नीचे के दाम पर मिल रही थी स्प्लिट हुआ था स्प्लिट के बाद सात रुपये आया था और स्प्लिट सत्तर रुपये से वन एस टू टेन का स्प्लिट था और सात रुपये आया और सात रुपये का शेयर वापस साठ रुपये गया सेवन से सिक्सटी और वो सेवन से सिक्सटी मतलब सत्तर से सात स्प्लिट पहले वो सत्तर स्प्लिट से पहले भी चला था उसके बाद सत्तर से स्प्लिट हुआ स्प्लिट के बाद फिर सिक्सटी तक गया वहाँ से अब जो नीचे आया था वह आप इसमें एंट्रेड हो सो मतलब इतनी बड़ी तेज़ी इसमें मिली हुई है कितना भी नीचे आ भी वो रीजनेबल नहीं दिख रहा लेकिन हैविंग सेट दैट जो भाव अभी आप देख रहे हो यहाँ थोड़ा बहुत संभलना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा सेल ऑफ है मिड कैप स्मॉल कैप में तो इसलिए अभी आप कोई अलग नहीं हो इस समय सभी के शेयर टूट रहे हैं चाहे जो भी हो एक्स वाई जी अच्छी कंपनी बुरी कंपनी बहुत बुरी कंपनी बहुत ही ज़्यादा बुरी कंपनी कचरा कंपनी सब एक समान तो ले जा रहे हैं समय इंटेंसिटी थोड़ी ऊपर नीचे होगी कोई ज़्यादा टूट रहा होगा कम टूट रहा होगा लेकिन टूट सब रहे हैं सो so, अभी तो बस लेट द स्टॉम पास वाली सिचुएशन है उसके बाद देखते हैं बट ये है कि इस uh, स्टॉक में जो लार्ज कैप हैं नोन कंपनीज़ हैं अच्छी कंपनियाँ हैं अच्छे मिड कैप हैं प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज़ हैं ग्रोइंग प्रॉफिट कंपनीज़ हैं या रेवेन्यू uh, अच्छा जनरेट कर रही हैं कंपनीज मार्केट शेयर अच्छा है कंपनीज अलग अलग अच्छा सेगमेंट है सब इनमें से जो कंपनी आप पिक करना चाहो कर सकते हो बट इस तरह कंपनियों को तेजी मिले हल्का करो बेस्ट होता है कंपाउंडर स्टॉक फॉर नेक्स्ट डिकेड मतलब शिवम जी रोज एक ही तरह के सवाल आते हैं और रोज एक ही तरह के जवाब देता हूं कि बी विद लार्ज कैप बी विद लार्ज कैप बी विद लार्ज कैप बी विद लीडर्स इसलिए नहीं कि मुझे मिड कैप नहीं पता या इसलिए नहीं कि मुझे स्मॉल कैप नहीं पता मैंने मिड कैप भी बहुत पढ़ता हूँ स्मॉल कैप भी बहुत पढ़ता हूँ लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप का हशर आप देख ही रहे हैं भाई क्या हो रहा है जब मिड कैप स्मॉल कैप फंसता है तो कई सालों के लिए फंस जाता है वन टू जब वो फंसता है तो हमेशा एक ही चीज़ दिखती कहीं बंद तो नहीं हो जाएगा इसलिए लोग घबरा जाते हैं टू थ्री आपको टी के बंद होने की उम्मीद कम होती है या डीवीज के या मारुति के या बजाज ऑटो के इनकी कम होने की उम्मीद कम है कि भाई ये बंद हो जाएंगे लेकिन वोडाफोन की रहेगी हमेशा सुजलॉन की रह सकती है हमेशा बंद हो या ना हो इट्स अ डिफरेंट थिंग लेकिन उम्मीद हमेशा रहती है क्योंकि उनके भाव वो इंडिकेट कर रहे हैं तो क्यों ऐसी सिचुएशन बोलता हूँ कि आप मल्टी बैगर की तलाश में ढूंढते रहोगे और सारे पैसे फ्लॉक ब्लॉक कर लोगे किसी ऐसे छोटे स्टॉक में इंस्टेड कम मल्टी बैगर की तलाश में आप किसी लार्ज कैप में जाओ पंद्रह बीस परसेंट शांति से मिलता रहेगा आराम से बने रहो जब भरपूर पैसा इकट्ठा कर लो उससे तब आप चले जाना एक्सपेरिमेंट करने बाजार भागा तो कहीं जा नहीं रहा तब कर लेना जो भी करना है अभी एक्सपेरिमेंट करने के मोड में क्यों आ रहे हो सो so, आपको आपके लिए कोई भी स्टॉक मल्टीपैगर हो सकता है बहुतों के लिए टी सी एस मल्टीपैगर हुआ है बहुतों के लिए इन्फोसिस मल्टीपैगर हुआ है बहुतों के लिए मारुथी मल्टीपैगर हुआ है सो so, आराम से आप आराम इन्हींशेयरों में रहो जो लार्ज कैप है ये तीन चार में मत रहो किसी और सेक्टर में रह लो किसी अच्छी कंपनी में रह लो बट रहो लार्ज कैप में ताकि एटलीस्ट इस तरह के तूफानों में सबसे मजबूत सप्रे होते हैं जल्दी गिरते नहीं हैं विजया डायग्नोस्टिक अगेन पसंद सर ये अभी तो लिस्ट हुआ है इसमें क्या ही बोलना डायग्नोस्टिक की पहले वाले की हालत नहीं देखी आपने मेट्रोपोलिस डॉक्टर लाल थायरॉ केयर सिचुएशन हाफ हो गए ये लोग आज भी फिर बात बोलूँगा दो के कल ही मैंने ट्वीट किया था ना दो के बहुत सारे आई ऊपर से बहुत टूट गए हैं लेकिन अभी भी इशू प्राइस से करीब करीब पचास ऊपर है सो पहली चीज़ आप खुद ये बात मानते हो कि पिछले 2021 में सारे आईपीओ महंगे आए थे सौ रुपये किसी कंपनी की वर्थ थी उसका आईपीओ पी ओ तीन सौ रुपये पर आया तीन सौ की कंपनी लिस्ट हुई पाँच सौ पर पाँच सौ का शेयर आठ सौ रुपये पे जाकर प्रीमियम देख रहा था आठ सौ रुपये हाई बना रहा था आठ सौ टूट के अगर वो चार सौ भी आ गया तो भी अपने इशू प्राइस या लिस्टिंग प्राइस से दो सौ ऊपर है या सौ रुपये ऊपर है और एक्चुअल वैल्यू से चार सौ ऊपर है सो so, ऐसे समझ लो इस चीज़ को कितनी प्रीमियम पे ऑलरेडी कोई कंपनी आई हुई थी नायका ऐसी कंपनी 40 करोड़ के प्रॉफिट पे एक लाख करोड़ की मार्केट कैप कैसे हो सकता है आज तक नहीं मिलता ला, एक लाख करोड़ की मार्केट कैप डी तो मार्ट की नहीं डी मार्ट माफ कीजिएगा कह रहा हूं। टाइटन जैसी कंपनियों की नहीं पहुंची थी जिसके करीब करीब छह सौ करोड़ के प्रॉफिट आते हैं तो कैसे इसको ये मार्केट कैप सस्टेन होना बनता था नहीं हुआ अभी भी कहां से सस्टेन होना चाहिए जो मार्केट कैप इसको मिल पचास हजार करोड़ का अभी सो लाइक वाइज कितना ही प्रोमिनेंट बिजनेस हो जब तक वैल्यूएशन नहीं जस्टिफाई करेगा बाजार उसको आज नहीं तो कल बराबर कर ही देगा सो आप उस चीज को ध्यान रखो प्लीज रेणुका शुगर बाइंग उनतीस तीस तीन सौ अस्सी शेयर हैं अभी क्या करूं पटेल साहब रेणुका अगेन साइक्ल स्टॉक्स मतलब शुगर है केस में मतलब मैं माइंड भी आपको थोड़ा बियरिश सा साउंड कर रहा हूँ लेकिन थोड़ा रियलिस्टिक है बियरिश नहीं है रियलिस्टिक है दो तीन चीज़ें ध्यान रखिए हंकी डोरी का टाइम खत्म हो गया मार्केट में जो आपको टेक्सटाइल की तेज़ी लेदर की तेज़ी या शुगर की तेज़ी साइक्लिकल तेज़ी थी उनके फेज़ आए और फेज़ में लोग फंस गए जो हर बार होता है शुगर में आपके पास कुछ नहीं कर सकते आप बैठे रहो जहाँ स्टेबल होने लग जाए सेक्टर का स्टेबिलिटी देखो जहाँ स्टेबल होने लग जाए वहाँ आप एंटर कर जाओ तब कोई रिस्क कम है लेकिन जब स्टेबल नहीं है तो उसमें क्यों जा रहे हो फॉलिंग नाइफ पकड़ने वाली बात है हाथ कटेगा ही वेट कर लो अभी कुछ मत करो शांति से बाजार को देखो भाव देख लो थोड़े दिन बाद जब बाजार नॉर्मल हो जाएगा आप एक बार बताओ वापस मार्केट घूमेगा ही कभी ना कभी यहाँ से नहीं बारह हज़ार से घूमे मैं कहता हूँ आठ हज़ार से घूमेगा जहाँ से भी घूमेगा शेयर कौन से लेगा यही तो शेयर होंगे यही एच होंगे यही टी होंगे यही इन्फोसिस होंगे यही आई होंगे यही एस होंगे कहीं नए शेयर तो आ नहीं जाएंगे और अगर आएंगे भी तो उनकी थीमों पे बाकी पुराने शेयर भी चलेंगे ही सो फिर कुछ टाइम बाद यही शुरू हो जाएगा जो अभी हो रहा था पिछले कुछ दिनों पहले साल कुछ बढ़ सकते हैं समय कुछ ज़्यादा हो सकता है लेकिन आपका पैसा है घूम के आ जाएगा ना पंद्रह ही बाज़ार को देना है तो क्यों इतना हश हश करना आराम से रुकी थोड़ा बाद नॉर्मल हो जाएगी चीज़ें एच बढ़िया कंपनी बायोकॉन ठीक कंपनी अमृतांजन को आप एक बार को अवॉइड कर सकते हैं कंपेटिवली इन स्टॉक्स के और मान्य भर में एक ही केवीएट है कि तीन साल में अपना स्टेक बेचना है छः परसेंट का कंपनी अच्छी है इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन तीन परसेंट छः परसेंट स्टेक बेचना है एट्टी वन प्रोमोटर होल्डिंग है सेवेंटी फाइव लानी है और उसके लिए तीन साल का टाइम है आई पी ओ से जिसका डेढ़ साल निकल चुका है तो शायद डेढ़ साल में स्टेक ऑफलोड होगा ब्लॉक्स में या किसी चीज़ में तो आप उसका ध्यान रखना बाकी कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं नीचे मिल जाए तो आराम से ऐड करो वैसे भी इसने जो प्रीमियम लेकर आई थी 40-50 के मल्टीपल पर बी भी काम काज कर रहा है वो प्रीमियम अभी थोड़ा शेड किया नहीं है थोड़ा शेड हो जाने दो ज़्यादा बेटर है लेकिन कंपनी अच्छी है इसमें कोई दो राय नहीं है बढ़िया बिजनेस बढ़िया कंपनी नीचे का दाम ज़्यादा अच्छा टाटा टेक्नोलॉजी के लिए पैसे बचा के रखूँ या जो लार्ज चीज नीचे मिल रहा है उसमें लगा दूँ मित्रा सर ये पता नहीं कब आएगा सामने को अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है तो आप एंटर कर जाइए टाटा टेक जब आएगा तब उस टाइम की अपॉर्चुनिटी उस हिसाब से देखी जाएगी क्या पता आपने आज लगाया सिर्फ एग्जाम्पल टी में इकतीस सौ पे वहाँ पर चौंतीस सौ पहुँच गया टी आप तीन सौ रुपये से प्रॉफिट बुक करके अपना पैसा डाल दिएगा वहाँ पर या हो सकता सत्ताईस सौ ही आ जाए तो डिविडेंड आएगा, आएगा आपको सो so, ऐसा नहीं किसी ख़राब कंपनी में जा रहे हैं अगर आप टाटा टेक, टेक्नोलॉजीज नहीं भी ले पाए कोई और ले लेंगे तो उससे पैसा बन जाएगा तो क्वालिटी आज पिक कर लीजिए कल का वेट कर लीजिए वो आपके ऊपर है बट स्टिल स्टिक टू क्वालिटी हेवल्स एंड फाइन फाइन को अवॉइड मैं उस दिन गलती कर गया था फाइन ऑर्गेनिक में और बिना दूसरी ऑर्गेनिक कंपनी में फाइन ऑर्गेनिक अगर चार हजार वाला है क्योंकि मैं नाम में कंफ्यूज हो जाता हूं दोनों कंपनियों के तो अगर ये चार हजार वाला स्टॉक है तो, तो आप उसमें एंटर कर सकते हो वो चार हजार के आसपास का जो रेंज है इसका पैंतालीस सौ रुपए का तो उसमें चार हजार का स्टॉप लॉस रखो अड़तीस सौ चार हजार का और एंटर कर जाओ वो अच्छी कंपनी है जो दूसरी वाली ऑर्गेनिक्स है जिसमें प्रमोटर ऑफलोड कर रहा है स्टेक उससे दूर रहना इसमें पचहत्तर परसेंट होल्डिंग है और नाम की वजह से मैं कन्फ्यूज हूँ दोनों के शायद फाइन फाँ, फाँ, ऑर्गेनिक्स और दूसरा वाले का नाम मैं मिस हो जाता है मुझसे और रही बात हैवेल्स की तो आज टेक्निकली तो थोड़ा सा वीक दिख रहा है आज शॉर्ट्स बन रहे थे इसमें नए तो नियर टर्म थोड़ा बहुत झटका ले सकता है बीस तीस रुपये पचास रुपये का उसमें आप कहीं एंटर कर जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे आपके पास या आप पोजिशन और नहीं ले सकते हो तो आप बने रहो कोई ऐसे फ्लॉ नहीं है बट थोड़ा ओवर द बोर्ड जा चुका है तो वो शेडिंग हो रही है उसकी और कुछ नहीं शिवालिक बायोमेटल कंट्रोल्स फ़ॉर लॉन्ग टर्म सर मतलब इसका जवाब तो बाकी जो लोग आपको सवाल पूछते हैं दिख रहे हैं वही जवाब दे देंगे इस तरह की कंपनियां लॉन्ग टर्म के लिए आप इस तूफ़ान में ढूंढ रहे हो जब आपके सामने क्या क्या कंपनियां नीचे के दाम पे मिल रही हैं मतलब आपको जो जो डी मार्ट जिनके ड्रीम रन देखें आपने या डी वी जिनके ड्रीम रन देखें जुबलेंट फूड यूनाइटेड स्परिट्स इनके ड्रीम रन देखने के बाद जो नीचे मिल रहे हैं आपको वो लेना नहीं समझ में आ रहा आप इनको देख रहे हो इंस्टेड आप उनको चूज कर लो ज़्यादा बेटर है चले फिलहाल अब इतने ही सवालों शामिल करूँगा लेट हाँ जो आया उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा टेक्निकल स्नैक था कुछ और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे सवाल पूछे आपसे कल मुलाकात हो रही बुधवार के दिन आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं एट द मेरा ट्विटर हैंडल है और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्त सलाहकार की राय ज़रूर ले लें नमस्कार